मंच पे बैठे हुए मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री शरद यादव जी, हमारे मित्र सहयोगी और साथ संसद में कई कमेटियों में मिलकर काम करने का अनुभव मिला शत्रुघ्न सिन्हा साहब, बिहारी बाबू नहीं मैं कहता हूँ, ये भारत के बाबू है, बिहार से ही संयुक्त नहीं है। और आज यहाँ पर वेदपाल कंवर जी और एनी राजा कॉमरेड एनी राजा और डी राजा साहब भी आ गए, और भाइयों और बहनों, बड़ी अच्छी बात है कि आज अली अनवर साहब की ये उनकी जो पार्लियामेंट के अंदर जो बातें उन्होंने कही उसकी एक श्रृंखला के रूप में ये किताब आज किताब का विमोचन हो रहा है। इसके लिए पूर्ण बधाई अली अनवर साहब को और आपके पब्लिशरों को। और ये श्रृंखला उन्होंने कहा कि ये जारी रहेगा कई और MPs को साथ लेकर, अब उसके अंदर भी आप सबको बधाई आगे वाले आने वाले काम में। अली अनवर साहब जैसे वो बता रहे थे हमारे और शरद जी के पीछे बैठते थे, और शरद जी मैं इसलिए कह रहा हूँ बैठते थे क्योंकि मैं अब रिटायर हो गया हमारे पार्टी के उसूल के आधार पर, और राजनीतिक नैतिकता की पालन तो होनी चाहिए, पार्टी पार्टियां करें या ना करें, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसकी गलती है इस नैतिकता को। और दो बार के बाद हमने तय किया कि कोई संसद में रहेगा नहीं, और शरद जी अब रहेंगे या अली अनवर साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे इसके ऊपर आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वाकई उनको वहां से हटाने का कोई ना कोई कारण है ना कोई उसके लिए कोई बहाना है, सिर्फ यही है कि राजनीतिक तौर से जो बिहार के मुख्यमंत्री ने जो काम किया वो जो वहां की महागठबंधन के लिए जनादेश जो मिला बिहार के अंदर उसके विरोध में, उसके लिए डटकर खड़े रहे अपने देश के एक बहादुर सिपाही के रूप में शरद जी और उनके साथ साथ अली अनवर जी, और इसी लड़ाई में देश की साझा विरासत को बचाने के लिए उनके नेतृत्व में हम लोग सब पूरे देश के अंदर आज चल रहे हैं इस अभियान में, और ये आज के दिन मैं समझता हूँ जरूरी है। लेकिन इसके इससे पहले ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं मैं, क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हुए सब ज्यादातर तो सांसद हैं, और हम लोगों को आदत है कि जब ज्यादा बोल लेते हैं तो बेल बजता है, और बेल बजाने वाला यहाँ पे है नहीं कोई तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन इससे पहले एक बात कहूँ, जो अभी अली अनवर साहब ने कहा कि जो दर्द है लोगों के अंदर, जो मेहनत कर जनता के पीछे जो शोषण है उनको शोषण से मुक्ति के लिए जो आवाज न्याय के लिए उठानी है, आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, इन सब के लिए अली अनवर साहब हमारे संसद के अंदर ये आवाज उठाते रहे। उसकी एक ये भी बात है कि मजदूर एक बीड मजदूर के परिवार से आते हैं, अगर मैं गलत ना बोलूं तो दोनों आपके पिताजी और माताजी दोनों बीड़ी मजदूर थे, और पहले कदम उन्होंने राजनीति में लगाए कि हमारे कम्युनिस्टों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, और उसी के चलते हुए ये बुनियाद जो उनकी रही है, आज ये भी हम कहना चाहेंगे कि उस बुनियाद के साथ ये टिके हुए हैं, और मुझे लगता नहीं जिंदगी भर ये हटेंगे उससे, और ये एक अपने देश में काम करते रहेंगे। अभी रतनलाल जी ने शुरुआत में अंबेडकर साहब को कोट किया था, अंबेडकर साहब की एक और बात आज याद करने की जरूरत है जो अक्सर भूला जा रहा है, क्योंकि आज वातावरण क्या है देश के, कहीं पर पद्मावती फिल्म को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, या कभी हम ले आएंगे ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून, लाना है तो ला भाई, क्या है वो कानून देखे हम उस हिसाब से बताएंगे, लेकिन उस प्रचार जरूर उसके लिए पार्लियामेंट को मिलने नहीं देना। अभी तक 50 साल में ये कभी नहीं हुआ कि इस समय पार्लियामेंट की सदन नहीं चल रही, अब जब पार्लियामेंट की सदन नहीं चल रही है बुला नहीं रहे वो जानबूझ के गुजरात के चुनाव के चलते हुए, क्योंकि पार्लियामेंट की सदन आ जाती तो बहुत सारी बातें आते उसमें, अमित शाह जी के लड़के के बारे में, आपके NSA के लड़के के बारे में, ये राफेल डील के बारे में, यह आएगी पनामा पेपर के बारे में, पैराडाइज पेपरों के बारे में, ये सब बातें आएगी पार्लियामेंट के अंदर, और वो अगर गुजरात के चुनाव से पहले आ जाए तो उसका असर ना पड़े इस घर से गुजरात के अंदर, जब तक चुनाव खत्म नहीं होंगे पार्लियामेंट को ही नहीं बुला।
अब इस तरीके की जो तोड़ मरोड़ जो हो रहा है हमारे व्यवस्था के साथ और हमारी संवैधानिक व्यवस्था के साथ, ये हम समझते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आखिरकार हमारा संविधान का बुनियाद क्या है? शुरू होता है वी द पीपल, यानी हम लोग। हम लोग इस संविधान को स्वीकारते हैं, अपनाते हैं, यानी लोगों की प्राथमिकता है हमारे संविधान। अंग्रेजी में जो कहा जाता है, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये सॉवरेंटी जो इस्तेमाल जनता करती है, कैसे? जो अपने चुने हुए प्रतिनिधि हैं संसद में, जो संसद में जाते हैं चुने हुए प्रतिनिधि, जो जनता चुनती है, और जो सरकार है इस चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए जवाबदाही है, और ये चुने हुए प्रतिनिधि जनता के जवाबदाही है। ये है फ्लो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। सरकार की अकाउंटेबिलिटी सांसद को, सांसदों की अकाउंटेबिलिटी जनता को, और इसके अंदर अगर संसद का चलना ही आप बंद कर दोगे तो पूरा का पूरा संविधान का बुनियाद ही बिगड़ जाता है, और आज वही हो रहा है। और इसीलिए इस संविधान को जो अम्बेडकर साहब के चेयरमैनशिप में जो बना ड्राफ्टिंग कमेटी के, उस संविधान के ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट को पेश करते हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो भाषण उन्होंने दिया, उसके उस भाषण में वो कहते हैं कि इस संविधान में हमने बहुत कोशिश करने के बाद हमने एक ऐसी राजनीतिक ढांचा बनाया देश के अंदर कि हर व्यक्ति को एक वोट, हर वोट को एक मूल्य। अंबानी का वोट या अदानी का वोट या मेरा वोट या आपका वोट, सबका मूल्य एक। सो राजनीतिक तौर पर वोट के हिसाब से हमने बराबरी की स्थापना की अपनी राजनीतिक ढांचे, लेकिन यही राजनीतिक ढांचा के अंदर जो बराबरी है वो हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के अंदर नहीं। जो आर्थिक शोषण और सामाजिक शोषण जो जाति के नाम पर जो होती है, उस आर्थिक शोषण और सामाजिक शोषण के चलते हुए हर व्यक्ति को एक वोट, हर वोट का एक मूल्य, ये तो हमने संविधान में दिया, लेकिन एक व्यक्ति को का एक मूल्य ये अभी तक हम हासिल नहीं कर पाए। और जब तक ये हासिल नहीं करेंगे तब तक इस संविधान को ही खतरा। जितनी जल्द से जल्द हम इस अंतर विरोध को उखाड़ फेंकेंगे, आर्थिक और सामाजिक असमानता, तभी ये राजनीतिक ढांचा भी सुरक्षित रहेगा। और ये चेतावनी जो उन्होंने दी है सब, आज के दिन अगर देखें हम तो इस चेतावनी का एक बहुत बड़ा भूमिका है आज हमें समझने में अपने मुल्क के अंदर हो क्या। आज हमारे देश के अंदर आर्थिक असमानता कम होने की जगह बढ़ रही। जब मनमोहन सिंह साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, देश के हमारे जीडीपी का जो 49% 49% जीडीपी का 1% लोगों के हाथ में था संपत्ति देश की, हर साल जो होती है जीडीपी वो 1% लोगों के हाथ में था। आज 3 साल के बाद, इस 3 साल के अंदर वो 49 से लेकर 60% से आगे बढ़ेगा। 5 खरबपति हैं आज अपने देश के अंदर, और 5 आते हैं गुजरात से। आज हमारे देश के अंदर मजदूर वर्ग देखिए बेरोजगारी बढ़ रही है, नोटबंदी हो, आपकी जीएसटी हो, ये सब पे चलते हैं। आपके जो दिहाड़ी पे जो मजदूर काम कर रहा है उसके लिए नौकरी नहीं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। न्यूनतम दाम का वादा किया था 1.5 गुना होगा आपके खर्चे से ज्यादा, वो पूरा नहीं कर पा रहे। अब ऐसी हालत में इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करना और सरकार के ऊपर दबाव डालना वो सिर्फ सांसद ही कर सकता। अब उसी सांसद को ना बुलाना, मतलब इन सभी जिम्मेदारियों से सरकार जो है अपने को वंचित कर रही है। और उल्टा क्या देखते हो, गौरक्षक के नाम पर दलितों पे और मुसलमानों पे हमने, मॉरल पॉलिसी के आधार पर अपने नौजवानों को कहा जाता है कि क्या खाओगे तुम, हमारे बहने क्या पहनेंगे, कौन किसके साथ दोस्ती करेगा और कौन किस तरीके से घूमेगा, ये सब नियंत्रित करेंगे वो। ना सरकार, ना कानून, ना संविधान, इसका कोई आज परवाह नहीं। ये हमने देखे घूमने और चर्चाएं होती किस पे, जैसे मैं कह रहा था पद्मावती फिल्म के ऊपर,
या शुरू हो गई आपके अब फिर क्या अयोध्या के बारे में आप फिर शुरू करेंगे? 5 तारीख से उसकी बैठक है, मतलब वो चल रही है। अभी आया एक एक्सपोजर शराबुद्दीन के एनकाउंटर के केस पर, किस तरीके से वो जज को मतलब उसके ऊपर ये आरोप आए, इसके ऊपर जांच कराए, उसके लिए सुनवाई कोई करता नहीं, यानी हर दिन। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय एक नया नारा दे देंगे, आप सेलफोन काम नहीं करता लेकिन डिजिटल इंडिया है, स्वच्छ भारत के बारे में बड़े बड़े पापचारी गांधी जी के आईने निकालकर उसके ऊपर एक तरफ लिखा है स्वच्छ, एक तरफ लिखा है भारत, बाएं हाथ से देखो तो भारत नजर आती है जिसमें स्वच्छता नहीं है, दाएं हाथ से देखो तो आपको स्वच्छता नजर आती है जिसमें भारत नहीं है। अब इसके लिए आप कहेंगे कि स्वच्छ भारत के नारे लगा के, और बिल्कुल सही, पॉल दिवाकर जो मैग्सेसे अवार्ड जो मिला उनको, उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत के अंदर आप जो है पब्लिक टॉयलेट की बात कह रहे हो, लेकिन आखिर बताइए ये पब्लिक टॉयलेट को साफ करने वाला कौन होगा? और वही पर आ गई बात जो अम्बेडकर साहब बता रहे थे, जातिवादी सोशल। लेकिन इन सब सवालों के लिए चर्चा करना है तो समय नहीं। अब ज्यादा मैं कह रहा था कि ना बोलना चाहता था, लेकिन शत्रुघ्न भाई है यहाँ पे तो उनको देखते हुए हर बार फिल्मों की याद आती है, पूरे बचपन में हम सब, लेकिन उनके फिल्म से बाहर के डायलॉग और अच्छे होते हैं फिल्मों से। फिल्मी डायलॉग कोई और लिखता है लेकिन ये डायलॉग तो नहीं है, लेकिन वो याद आ गए तो उन्हीं के साथ साथ एक फिल्म निर्माता का भी याद आ रहा था। कई सारी फिल्म आपने बनाए होंगे शत्रुघ्न जी के हाथ से, मतलब मनमोहन देसाई साहब की फिल्म, हर दूसरी फिल्म जो है उसकी उन दिनों में सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली हिट हो जाती, शायद आखिरी फिल्म अमृत प्रधान तो नहीं थी या उसके बाद में कुछ बना रखे। तो उन्होंने उनके गुजरने से पहले आखिरी इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई सर आप बताइए मनमोहन देसाई जी कि राज क्या है, ये कैसी बात है कि हर फिल्म जो आप बनाते हो वो बड़ी हिट हो जाती है, इसके पीछे राज क्या है? तो उन्होंने कहा यार अब देखो अब शायद मैं और फिल्में नहीं बनाऊंगा क्योंकि उम्र हो गई, तो अब मैं बता देता हूँ मेरा राज क्या है। राज क्या है उन्होंने जो बताया, जब से फिल्म शुरू होती है जब तक फिल्म खत्म नहीं होती है ग्राहक जो देखने आता है उसको सोचने मत देना, अगर उसको सोचने दोगे वो फिल्म जो है फेल हो जाएगी। मन मोदी साहब का वही है लॉजिक, देश की जनता को सोचने मत दो, हर दिन कोई ना कोई नया नारा, और मैं तो वही पुराने नारे फिर दोहराते हुए, यानी लोगों को सोचने मत दो, बस उस चक्कर में वो जो है अपनी राज करते जाएगी। अब इससे जो पूरी हमारी संविधान की व्यवस्था है, पूरे हमारे आर्थिक और सामाजिक न्याय की जो संघर्ष है, ये सब पीछे को पिट कर सिर्फ इसी बात पे हम लोग अटक जाते हैं कि हमारा जो खासियत है अपने देश की, हमारा मुल्क, ये बात मैं अक्सर कहता हूँ पार्लियामेंट में भी कहा, मैं शायद यहाँ पर भी कहूँ, हमारे संविधान ने ये क्यों कहा कि इंडिया दैट इज भारत, जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल किया भारत, और ना हिंदुस्तान ना हिंदुस्तानी ना आर्यवर्ता ना कोई मतलब कोई भी, लेकिन भारत पे आ, भारत का मतलब क्या है? अब ये इस मतलब से अब अगले वाली पीढ़ी शायद पूरी ही वंचित हो जाएगी, हमें नहीं तो भारत का मतलब क्या? भारत तीन इसके अंदर ये सिलेबस है, भ संस्कृत में भावना जिसको भावम कहते हैं, भावम का मतलब क्या है? आपका चरित्र, आपके विचार, आपके सोच, आपके ख्याल, ये सब मिलके बन जाता है भावम। र का मतलब क्या? रागम यानी आपके स्वर, जो स्वर सात स्वर है सारे गवा पता नहीं, इन सब को मिला के किस तरीके से मिलाएंगे और जिस तरीके की राग बनेगा उस राग के आधार पर जो ध्वनि उतर आएगी उससे हम सबको प्रसन्नता और एक अपनी चरित्र जो है जो भावना है वो प्रकट होती है उस राग।
और ये रागा के द्वारा जो संगीत जो बनता है वो तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक उसके साथ एक ताल जुड़ता नहीं। यानी भावम रागम तालम, ये है भारत में राग। और ये तीनों जब साथ जुड़कर संगीत इस तरीके से तैयार करे जो अपने देश के अंदर जो गर्व है अपना, जो अपनी ये जमीन है, जो बादशाह जफर ने कहा था कुए यार है हमारा, ये कुए यार की इस भावना राग और ताल ये की मिलन ही है हमारी, और ये है हमारा सांझा विरासत। और इस सांझा विरासत को आज बिगाड़कर भारत के नाम पर आप जो है अपनी हिंदू राष्ट्र के नाम पर उसको जो है थोपना अगर चाहोगे तो भारत जिस तरीके से हम और आप जानते हैं जहां पे पैदा हुए हैं, जहां पे हमारी परवरिश हुई है, वो बचेगा नहीं। तो आज इन्हीं सवालों पे आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करना जो अम्बेडकर साहब ने हमको बता के गए, जिसके लिए अली अनवर साहब हम सब लोग पार्लियामेंट के अंदर लड़ते रहे हैं, इसको अगर आगे ले जाना है तो पहले इस खतरे से बचना है हमें, जो सामुदायिक ध्रुवीकरण और फिरकापरस्ती ताकतों को प्रोत्साहन देने वाली, जिसके चलते ये वो पूरा बड़ा एजेंडा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि संसद के अंदर हो या बाहर हो, इस देश के सिपाही हैं जो बड़े हुए हैं ये कहते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के चार सिपाही, उन चार सिपाहियों में से हमें अली अनवर साहब, शरद जी, शत्रुघ्न जी, हम नी राजा वगैरह, हम लोग सब मिलकर और आपकी सहयोग के साथ मिलकर हम जो है अपने भारत को सच्ची सही रूप में महान भारत बनाएंगे। यही अली अनवर साहब के लिए हमारी बधाई भी है और हम यही हमारी प्रेरणा है कि आगे को भी वही संघर्ष में जारी रहे। धन्यवाद।